322 बन गया था ना, करना है सभी लोग करो, देखना सही किया क्या यहाँ तक। आप पिछली सभी क्लास में थे कि आज पहली बार हो? तो आप ट्वेल्थ हो कि ड्रॉपर हो? ड्रॉपर। अब बच्चा एक काम करो, ये हम शीट नंबर 5 पर खड़े हैं, आप शीट 1 की वीडियो देखो, है ना, आप वीडियो में बैठो और दिन दिन भर बैठ कर आज देखो ना, लेक्चर 33 है, 1 से सब कुछ देखो, ठीक। क्योंकि अभी तो क्वेश्चन सरल हो गए हैं या कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हैं, शुरुआती क्वेश्चन एकदम व्यवस्थित थे। अभी आखिरी आखिरी में तो मुझे कोई सा भी क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है उठा के, पहले मैं चूज करके अच्छे से लिख रहा था, इसलिए आप वीडियो में बैठो और दिन दिन भर बैठो। तो ड्रॉप कहाँ से लिया था? सागर से। कौन सी कोचिंग? बहुत गलत बात है, कहीं तो जुड़े रहना चाहिए। पहुँचो वीडियो में, पहुँचो, हेडफोन स्टाफ से मांग लेना। बोलो बच्चा, तो माइनस बी अपॉन ए, सुनिए, रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो डी कैसा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अबे ये तो यही हो गया, अबे हो गया ना, देख भाई एक वन है इसलिए हो गया। तो 36 इधर पे क्या 4b, तो बी छोटा रहे किससे? बॉम्बे आंसर। कितने लोगों का खुद आ गया था बॉम्बे, बधाई हो। 323 करो, छाप मारो, जल्दी करो भाई, थोड़ा जल्दी छाप ले, फिर समझते रहना भाई तू लेट आया। देखना सही लिखा है क्या, पहले देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा वो यहाँ होल स्क्वायर होता तो 4 लिखते हैं ना, यहाँ तक सही लिखा है क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, और वो तो ठीक है ना, एक एप्पल में से आधा एप्पल गया तो आधा एप्पल बचा, प्लस क्या इसके बाद amgm लगाएंगे क्या? तो कैसे क्या लिखूं? ठीक है, p की पावर 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 p की पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो a स्क्वायर प्लस 2a, नहीं नहीं क्या लेना देना, हाँ ठीक है ना, वो तो रूट वूट, रुको रुको, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलो, ये प्लस 2b स्क्वायर, नहीं वो रूट 2 होता, प्लस 2ab, प्लस 2ab प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, तो ये चीज बन गई होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम क्या हो सकती है? जीरो क्यों होगी? ये मिनिमम जीरो थोड़ी हो सकता, आया प्लान समझ में? करो फिर आंसर निकाल के दो एकदम व्यवस्थित। ये है कहां से? तुम्हें कहीं लिख के दिया आंसर क्या? पीछे है क्या आंसर शीट? हाँ, amgm भी लगा सकते हो यार तुम, देखो p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 p की पावर 4 अपॉन 2, am इज ग्रेटर देन gm, तो p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 p की पावर 4 बड़ा रहेगा चक चक 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2, यानी कि ये क्वांटिटी बड़ी रहेगी रूट 2 से, तो ये ऑलवेज रूट 2 से बड़ी रहेगी, उसमें 2 जुड़ रहा, तो अपने हिसाब से आंसर सी हो रहा है। वो सी किस वैल्यू पर हो रहा है वो भी देख लो यार, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। देखो पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पी की पावर 4 बराबर रूट 2 कब होगा ये सोच के बताना है। हाँ समझ गया मैं, ये एक्चुअली पी की पावर 4 लिखा और ये 1 अपॉन 2 है 1 अपॉन पी की पावर 4 का, तो सुनो ये भी 1 बाय रूट 2 और ये भी 1 बाय रूट 2, तभी तो जुड़ के रूट 2, तो ये भी 1 बाय रूट 2, तो 1 अपॉन पी की पावर 4 कितना, तो ये क्वांटिटी 1 बाय रूट 2 और ये क्वांटिटी को आपने रूट 2 लिखा तो कटकर 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, यानी अपना आंसर सी सही है। आंसर लिखते जाना है, पीछे आंसर शीट नहीं है, फ्रंट पेज पर है, फ्रंट पेज पे भी नहीं है, फ्रंट पेज पे देखो, फ्रंट पेज तो लास्ट एकदम लास्ट पेज पे लिख लो, पिछली दोनों लिख लो ये और 321 का किसी से पूछ लो, पिछली क्लास में हो चुका क्या पता, मेरे को तो अभी सिर दुख रहा, तुम जल्दी करो, अगला करना था भाई।
अरे संजय बोल तो रहा हूं घर चले जाओ, फिर क्या लिखित में दूं? ऐसा क्या? बोथ रूट्स आर लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव रूट्स, इसके फैक्टर और कुछ जरूरत है क्या? बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा होगा, तो फंक्शन जीरो पर क्या देगा? तो वो यही हो गया भाई, सी पॉजिटिव। तो लेमड़े की वैल्यू आंसर तो कैसे लिखेंगे फिर? गोला लगाओ भाई, कुछ या तो लिखने में गलती हुई है। माइनस बी अपॉन टू ए जीरो से छोटा, वो भी वही है। वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेंट क्या? उन्होंने ये थोड़ी बोला कि इक्वल नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो सिक्स हुई भाई वैल्यू। वेरी गुड। क्या नाम भैया का? प्रतीक श्रीवास्तव को खूब खूब बधाइयां भाई। रूट्स होने भी तो चाहिए, रियल रूट्स। 325 करें, किसी से बना क्या करेंगे दीदी? क्या सॉल्व किया? ओहो, हेलो हाय, ओ हेलो हाय, इधर देख। अरे नहीं रे भाई, अरे हेलो, मुझसे स्टार स्क्वायर, हैश स्क्वायर और चांद स्क्वायर मांगा गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस टू यानी कि माइनस बी अपॉन ए इसका, तो ए बी सी जीरो और ये डी है, तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि वन, माइनस टू सी अपॉन ए, तो जीरो हो गया। ब्यूटिफुल आंसर वन। आपका भी यही आया क्या? मेरा मेथड लिखो, इसलिए मेरी क्लास में आया करो। 325 बॉम्बे। अब ये थोड़ा याद दिलाओ भाई, ये क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा 20, चार पंजे 20, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, जबकि साइन 18 होता है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। अब आप 2 बोल रहे थे, तो अच्छा 2 कटने के बाद डायरेक्ट बोल दिया होगा। ओके, मिटाऊं क्या इसको? मिटाऊं? सुनो भाई, देखो इधर, अरे देखो तो सही, ऐसा लिख लेंगे, रीट की हड्डी सीधी रख के बैठो। अभी एक बड़ी काम की चीज मेरे को जानकारी में मिली, जैसे कि मैं ऐसा खड़ा हूं तो आप मुझे साइड में से देख रहे हैं, इसे कहते हैं साइड व्यू। क्या कहते हैं? तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति की गर्दन है और उसके ऊपर खोपड़ी है, तो ये एकदम वर्टिकल है, तो खोपड़ी का वजन सीधा सीधा कहाँ जा रहा है? वर्टिकल। तो वो सिर्फ उसको दबाएगी, किसको? यहाँ की हड्डियों को, कोई और तनाव तो नहीं होगा। मगर आप हल्का सा झुकते हैं मोबाइल पे कुछ लिखने के लिए, टेबल पे लिखने के लिए, तो ये रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर ये गर्दन, गर्दन में ही ये क्षमता है, ये वाली स्प्रिंग है, ये वाली सीधी हड्डी मान के चलो, ज्यादा बेंड थोड़ी होती है ये। और अब ये गर्दन ऐसी है, तो पहले ग्राउंड कैपिटल जी कहाँ काम कर रहा था? नीचे। और अभी कैपिटल जी ऐसा तिरछा काम करेगा, है ना, कि वर्टिकल ही काम करेगा। तो इस स्प्रिंग के ऊपर तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इस स्प्रिंग पर 4 किलोग्राम तनाव है, इस पर 12 किलोग्राम है, और आप जब बहुत ज्यादा झुकते हैं तो वह सीधा 24 हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर या बैठे बैठे काम करने वाले को एक्चुअली बैठने की वजह से स्पाइनल, वो क्या बोलते हैं,
स्पॉन्डलाइटिस नहीं होता, वो एक्चुअली यों करके लिखते रहते हैं, इसलिए होता है। तो आप कम से कम जितना सीधा रह सके उतना तो रहें। आप और झुके झुके बैठेंगे तो 24 किलो वजन आएगा, थोड़ा सा झुकेंगे तो 12 आएगा। झुकना तो मजबूरी है। मैं तो आजकल अपने मोबाइल पे कॉलिंग भी यों करके करने लगा हूँ, यों करके ऐसे लगाया फिर बात कर ली। भाई झुक के क्यों लगाए? शरीर है तो सब कुछ है। मान लो बीमारी हो गई फिर क्या काम की, IIT निकाल भी लो। तो सुनिए, 2x-1 = कितना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4x² - 4x + 1 = कितना, तो x² - x - 1 = 0। देखना सही है क्या? अरे ये वही है जो अभी कॉस की इक्वेशन बनी थी। और यदि तुम कहो कि ये अल्फा है तो भाई बीटा ये ले लो, और आप ये लगाओगे x² - sum of roots + product of roots तो भी यही आएगी कसम खुदा की। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो लिखा हुआ है 2x⁵ + x⁴ - 4x³ - 4x² - x + 7, इसको आप डिवाइड लगा दीजिए इससे x² - x - 1 से, तो 2x³ बोलो क्या हो जाएगा? ले राम 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 राम, आंसर इज 7। कितने लोगों का 7 आ गया? ओनली नमन वर्मा NV। आप लोगों को पेरेंट्स लेने आते हो तो फोन कर दो कि आज 8 बजे छोड़ेगा सुहाग क्योंकि थकान बहुत है। आपको लेने आता है दीदी कोई, तो आप बाहर जाके हमारी फ्री लैंडलाइन से फोन लगा दो, आपके पास भी फ्री है। जियो का जादू ही अलग चल लिया है। इस एक्स की वैल्यूज रियल है, तो रियल है इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4ac फैक्टर बनेंगे क्या इसके? देखना, तो है तो सही ऑप्शन है, काहे चिंता कर रहे हो? इन्फिनिटी पर क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी, एक्स की जगह 0 रखो क्या आ रहा? 5/2। माइनस इन्फिनिटी पर क्या आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी पर क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। और ऊपर वाला 0 कब होगा? कभी ना कभी तो होगा यार भैया है, तो एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा। एक काम करो, ग्राफ इसका होमवर्क डालो, अगली क्लास में इसका ग्राफ मैं खुद बोर्ड पे बनाऊंगा। तो इस अगले पेज को कोरा छोड़ दो, लिख दो होमवर्क ग्राफ। ये मेरा ग्राफ मत छापो, ये तो मैंने अनुमानित बनाया है, आंसर को देखते हुए बनाया। ठीक, अभी अगला क्वेश्चन करो, 328 करो, इसको दिमाग से हटा दो, 328 करो, जगह छोड़ दो भाई ग्राफ के लिए। ग्राफ करने के लिए मैडम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जलने पर ऑक्सीजन रिलीज करती है? गूगल और लोबान। गूगल हिंदू धर्म में उपयोग होता है और लोबान इस्लाम में यूज करते हैं। जिसको जलते हुए कंडे पे डाल दो और फिर वैसा हिलाओ तो धुआं निकलता, उस धुएं को आप श्वास लेंगे तो अच्छा फील होता है। दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे पहले जब खोज हुई थी तो खोज करने वाले का भी यही एक्सपेरिमेंट था। वो एक नई गैस बनी और रिलीज हुई, उसने सूंघ के देखा तो उसको सूंघने पर बहुत अच्छा फील हुआ। बाद में पता चला कि यही ऑक्सीजन है और इसी से इंसान जिंदा है, तो सूंघने में कुछ अच्छा लग रहा है तो ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। और एक और सवाल, कौन सी चीज गर्म होने पे सॉलिड हो जाती है? पहले लिक्विड है और गर्म करने पे सॉलिड हो गई। कहाँ केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो भाई, कहाँ पढ़ते थे? रेजोनेंस, बधाई हो नीरज शर्मा, पवन गुबरेले, ले इतना भी नहीं बन रहा। हेलो हाई, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में पढ़े कि फिट जिम पढ़े आप? स्पेक्ट्रम में, पिछले साल फिट जिम में थे, 11th-12th में भी स्पेक्ट्रम में ही थे, घर के आसपास। कैटलाइजर, अबे वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ लिक्विड है और गर्म करने पे सॉलिड हो जा, बोलो भाई। अरे डोसा, डोसा
चलो बताओ एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन. छोड़ भैया अपना आंसर सही है. बोलो साहब. अल्फा बीटा अल्फा गामा. बताओ. बोलो साहब बोलो क्या करते थे इसमें. याद करो अगल बगल का प्रोडक्ट बीच का स्क्वायर. तो इसके नीचे क्या लिखेंगे. अगल बगल का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच का स्क्वायर. एक तरीका यह है कि आप के पुट कर करके देख लो जो रूट कॉमन हो जाए वो आंसर. वाह अरे कमाल कर दिया भाई. भैया कह रहे हैं कि के को रख के देखो तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है ऐसा कह रहे हैं भैया. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहला वाला. तो बी स्क्वायर माइनस फोर के माइनस टू. तो प्लस फोर और क्या. तो k माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस. अब k की जगह आप कुछ भी रख के देख लो ये छः से बड़ा तो होगा नहीं जो तीन ऑप्शन दिए. तो आंसर नन. बाकी ये किस्मत से मैंने लिखा तो इसलिए लिख लिया कि आपको फार्मूला याद आ जाए. 329 करो भाई. अरे d मालूम क्या हो जाएगा. ए ऑप्शन. कितने लोगों ने यहां इसको ऐसा करके कॉमन निकाल लिया. इसके भी होल स्क्वायर खोल रहे हैं मूर्ख. एक काम करो अगला क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन है तो तुम 333 कर दो. एक कर दो 333. जी मैम. अरे बन रहा है क्या 333 है. क्या कह रही हो. देखना ये कितना होता. इसका मिनिमम ये है इसका मिनिमम वो है तो उसका प्रोडक्ट 5 के अलावा क्या हो सकता. मेरे को तो क्वेश्चन देखकर ही ये दिल में अरमान उमड़ रहे थे कि इसके साथ ऐसा कर डालूं. और वो करने पर आंसर भी आ गया. यानी कि एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2. वाई बराबर 3 है तो एक्स प्लस वाई 5 या 1. कितने लोगों से बना. बहुत बढ़िया हरलीन दीदी से बना. लिखो साहब आज की क्लास रोक रहे 8:07 पे. हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रखो.